शुरू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर एंड आवर टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट टॉपिक्स. इसके अंदर दो अलग टॉपिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हम ये जान गए हैं कि मैटर जो है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल क्या है? एक बहुत छोटी चीज होती है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते. अभी समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Let us take an experiment to explain this. We have some amount of water in a beaker. Okay? We have some amount of water in a beaker. Then we add some amount of salt in it. And after stirring, stirring का मतलब होता है mix करना. हमारे पास chemistry lab के अंदर glass rod नाम की एक चीज होती है जिसे हम stir करते हैं. As जैसे कि हम अपने घर पे स्पून का यूज करते हैं किसी भी चीज को घुमाने के लिए या मिक्स करने के लिए. ऐसे हमारे पास केमिस्ट्री लैब के अंदर, साइंस लैब के अंदर ग्लास रॉड नाम की चीज होती है जिससे हम हर चीज को मिक्स करते हैं. जब हमने इसको मिक्स किया वाटर के साथ, देन आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमने क्या देखा, सॉल्ट हमें मिल ही नहीं रहा जो हमने मिक्स किया था. ये देखिए ना, देयर इज अ बीकर वाटर एंड देन एड सम सॉल्ट. उसके बाद क्या होता है कि हमें सॉल्ट मिलता ही नहीं है, उसके अंदर डिजोल्व हो गया है, यानी कि इतने अच्छी तरह घुल गया है कि हम उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं. यानी कि हुआ क्या, हमने जो सॉल्ट डाला था, अ पिंच ऑफ सॉल्ट या फिर अ स्पून ऑफ सॉल्ट हमने जो डाला था, वो वैसे का वैसा नहीं रहा, वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट गया. यानी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और अ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आपको ये सब सीखना होगा. ठीक है, इससे हमने सीखा क्या, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. मुझे सुनिए, देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. पार्टिकल्स जो थे वाटर के, उनके बीच में कुछ स्पेस रहा होगा जिसके बीच में जाके सॉल्ट बैठ गया. एग्जाम्पल सुनिए डेली लाइफ में, देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे. एक शादी हो रही है, शादी हो रही है, उसके अंदर सभी लोग आए हुए हैं, बहुत सारी गैदरिंग हो गई है, काफी सारे लोग आ गए हैं, सारे बैठे हुए हैं. हम एक अमाउंट तक ही तो एक घर के अंदर लोग घुसा पाएंगे उस शादी के अंदर. जिस घर में हम शादी कर रहे हैं, जिस भी वेंकट हॉल में हम शादी कर रहे हैं, जो हम जो करा रहे हैं सब काम, हम एक अमाउंट तक ही तो घुसा पाएंगे. 10 लोग 20 लोग 200 लोग. एक टाइम ऐसा आएगा कि जब और लोग आने बंद हो जाएंगे, या फिर 10 लोग अगर बैठे हैं तो और लोग हम कब घुसा पाएंगे या फिर कब ला पाएंगे हम उस बैंकट हॉल या फिर उस हाउस में, जब उन लोगों के बीच में कुछ गैप होगा. सेम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था, तभी सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जाके बैठ पाए. यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप था, इसलिए सॉल्ट के पार्टिकल उसके बीच में जा पाए. देखिए, आपको एक सीखना होगा. फिर से पढ़िए, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई है तो आपको ये आ गया है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हमको इससे ये पता चलता है कि हर मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है. ठीक है, कैसे, फिर से एक छोटा सा ब्रीफ लीजिए, क्योंकि वो और छोटे छोटे, क्योंकि हमको मिलना बंद हो गया. पार्टिकल्स का मतलब बहुत छोटी चीज होती है, और जब हमको दिखेगा नहीं तो यानी कि बहुत छोटी चीज में वो कन्वर्ट हो गया है. नोट कीजिए इसको. ठीक है, जो हमारा अगली चीज रहेगी वो है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं. ठीक है, हमने ये देख लिया कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का तो बना हुआ है, लेकिन कितने छोटे पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के. लेट्स सी, मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया. ठीक है, उसके अंदर मैं डालता हूं पोटेंशियल पर मैग्नेट. ये हमको याद करना होगा, आपको याद करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है पोटेशियम परमैंगनेट, एक केमिकल है जो कि पर्पल कलर का होता है. बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना. पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है जो कि पर्पल कलर का होता है. ये मैंने डाला 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, तो वाटर भी ऑब्वियसली पर्पल कलर का हो जाएगा. फिर इसमें से मैं लेता हूँ 10 ml, 10 ml मैं इसके अंदर से ले लेता हूँ. टेस्ट ट्यूब होती है हमारे पास, उसका उपयोग करके मैं 10 ml ले लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, जिसके अंदर 90 ml वाटर था और 10 ml मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाल दिया. तो ये लाइट पर्पल कलर का हो जाएगा ये सॉल्यूशन हमारा. फिर आगे अब इसमें से 10 ml लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, ये बहुत ज्यादा लाइट कलर का हो जाएगा, वेरी लाइट पर्पल.
मैंने क्या देखा, मैं जैसे इसको डाइल्यूट करता जा रहा हूं, डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मोर एंड मोर, पानी का मिलाते जाना किसी भी केमिकल में हमारा डाइल्यूशन कहलाता है, ठीक है। विद एवरी डाइल्यूशन द कलर बिकम्स लाइट, लेकिन वो अभी भी विजिबल है, पर्पल बहुत डार्क था, लाइट पर्पल, वेरी लाइट पर्पल, लेकिन पर्पल नेस तो हमें दिख ही रही है, ठीक है। तो मैं क्या समझ में आता है, जैसे कि मैं डाइल्यूशन करता जाता हूँ, साथ ही साथ पार्टिकल्स और ज्यादा डिवाइड होते जा रहे हैं। हमें बताते हैं कि पार्टिकल्स कितने स्मॉल है, हम स्मॉल तो जब बताते हैं जब डिवाइड होना बंद कर देते, एक बड़ा सा पार्टिकल हमारे आगे बन जाता, नहीं, लेकिन वो और छोटे छोटे डिवाइड होते चले जा रहे हैं। तो मैंने क्या कह लिया, या फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने ज्यादा स्मॉल हैं हमारे मैटर के पार्टिकल्स। यहाँ पे हमारा खत्म होता है टॉपिक। अब इसके बाद में हम अपने आगे जाने जाएंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।